अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा और उसकी रेसिपी को ट्राई किया होगा। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की सौगात अंडे का हलवा, जो सबके घरों में ज़रूर बनता है सर्दियों में और बहुत शौक से सब लोग खाते हैं। आज मैं बनाया है मैंने, और इसको बनाने के अज्जा आपको मैं बताती हूँ। अंडे के हलवे के बनाने के अज्जा ये हैं। अंडे मैंने एक दर्जन लिए हैं, इसी तरह मैंने चीनी एक कप ली है, घी को मैंने पिघला लिया है तो ये आधा कप घी है, काजू 4 अदद, दालचीनी मैंने 2 स्टिक ली है, छोटी इलायची 2 ली है, किशमिश के मैंने दाने 10 अदद लिए हैं, इसी तरह पिस्ते के दाने भी 10-12 अदद लिए हैं, बादाम भी 10-12 अदद, ये सब गार्निश में जाएंगे। 1/4 चम्मच मैंने ये जो है जर्दे का रंग लिया है, और ये चांदी के वक्त जो गार्निश में के वक्त इस्तेमाल करेंगे, और 3 कप फ्रेश मिल्क लिया है मैंने। अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो पहले हम डालते हैं इसमें चीनी जो हमने 1 कप लिए, उसके बाद हम ये कुकिंग ऑयल डालते हैं जो 1/2 कप लिया है, दूध डालते हैं इसके अंदर हम, ये जर्दे का रंग जो 1/4 डाल रखा है हमने वो डालते हैं, और इसके बाद हम सारे अंडे को तोड़ के इसके अंदर डालेंगे, और उसके बाद हम आपको इसको ब्लेंड करके दिखाएंगे। सर्दियों की ये बहुत अच्छी सौगात होती है, और सर्दियों में बहुत शौक से लोगों के घरों में ये खाई जाती है, अंडे का हलवे को खाया जाता है, दावतों में भी इस्तेमाल होता है ये। व्यूअर्स, ही सारे अज्जा मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब आप इसको जो है ये इस तरह बीटर से भी अच्छे से बीट कर सकते हैं, या ब्लेंडर में आप इसको बीट कर लें, ब्लेंड कर लें, वो जिस तरह भी आपको सहूलत लगे वो आप कर सकते हैं। मैं आपको ये ब्लेंडर में ब्लेंड करके दिखाती हूँ। बस अब हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है, ये देखें आप, जो दूध था, अंडा था, घी, चीनी और जर्दे का रंग, ये सबको हमने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब इसको हम पकाने शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हमने इसमें घी 1 चम्मच डाला है, और इसमें हमने दालचीनी और छोटी इलायची जो हमने रखी थी वो डाल रहे हैं, और थोड़ी सी हम किशमिश डाल रहे हैं इसमें साथ में। अब ये गर्म हो रहा है, अब ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें अंडे को डाल देंगे। अब हम इसमें जो बीट किया हुआ अंडे का फ्लेवर था और अंडा और दूध सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे, और चम्मच मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ज़्यादा ना बनें, और मुस्तकिल छोटी छोटी इसमें दानेदार रहेगा लेकिन ये गुठलियाँ नहीं बन पाएंगी। इसमें चम्मच हमें मुस्तकिल चलाते रहना है, ये देखिए मैं चम्मच मुस्तकिल चला रही हूँ इसमें ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब ये धीमी आँच पर, दरमियानी आँच पर ही रख कर इसको पकाना है हमें। व्यूअर्स, आप देखें मैं मुस्तकिल चम्मच चलाती रही हूँ, आप देखें ये किस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक गुठलियाँ सी, बारीक बारीक बल्कि दानेदार बन रही है। इस तरीके से मैं इसको करती जा रही हूँ, आप देखें, और ये बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी, क्योंकि मैंने इसमें घी इस्तेमाल किया है ना, जो देसी घी होता है वो डाला है मैंने, तो उसकी खुशबू भी आ रही है और अंडे की भी आ रही है। ये तो सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त मीठी डिश होती है, लोग बहुत शौक से खाते हैं, और इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। आपके देखिए, मैं इसको इस तरीके से चूर करती भी जा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल चूर रहे और छोटे छोटे दाने रहेंगे इसके। व्यूअर्स, आप ये देखें कि बिल्कुल इसकी दाने छोटे छोटे हो गए, मैं मुस्तकिल चम्मच इसमें चलाती रह रही हूँ, और देखें इसमें पानी भी इस तरह से हो रहा है क्योंकि दूध है मिक्स, तो जैसे जैसे ये खुश्क होता जाएगा, ये पानी इसका खुश्क, दूध का पानी भी खुश्क होता जाएगा दूध, और ये जब इसका तेल ये खुश्क होगा तो तेल ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब होगा कि ये तैयार हो गया है। तो जब तक हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे और इसको पकाएंगे इसी तरीके से। व्यूअर्स, आप ये देखिए इसका पानी खुश्क हो गया है, और अब ये भूनने के प्रोसेस में चला गया है, दाखिल हो गया है। अब हम इसको भून रहे हैं, इसके साथ साथ इसके ऊपर हम थोड़ा सा बादाम और पिस्ता जो मैंने काटा हुआ था वो भी शामिल कर रही हूँ ताकि इसकी मिक्स अच्छे से हो जाए, और इसको मैं भूनूँ जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाएगा उस तक हम इसको भूनेंगे।
अच्छे तरीके से। और आप देखिए इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। व्यूअर्स, इसकी रंगत भी बहुत अच्छी हो गई है। और देखें कि इसकी रंगत के साथ इसके जब तक तेल ऊपर आएगा और इसकी तैयार, ये कंप्लीट भी हो जाएगा बनके हलवा, ज़्यादा देर भी नहीं लगी हमें। तो कोई भी मेहमान आए तो हम इसको जल्दी बना भी सकते हैं फौरन। अब इसको हम आपको, जब ये तेल पूरा ऊपर आ जाएगा और खुश्क हो जाएगा, अच्छे तरीके से भुन जाएगा, तो मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी। व्यूअर्स, ये अंडे के हलवे को हमने डिश आउट कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और देखिए कितना अच्छा रंग भी हुआ है और बिल्कुल दानेदार हुए हैं। अब ये देखें, ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बन गई और आसानी से बन गई। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय से मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा और ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा कि आप भी बनाएं सर्दियों में, और ये सर्दियों की ख़ास सौगात होती है। अब मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।